नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं ओरलेक्स फाइनेंशियल एंड ट्रेडिंग सर्विसेज के बारे में, जिसके बारे में पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत से व्यूअर्स के रिक्वेस्ट के बाद आज मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। और इस वीडियो में हम केवल दो ही प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तरह इसको समझ सको। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ओरलेक्स फाइनेंशियल सर्विसेज हमारे लिए चार सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि एमिरेट्स पेसो प्लान, ट्रबल प्लान, धीरम प्लान और दिनार प्लान। इनमें से कोई भी प्लान चूज करने से पहले आपको इनके वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना पड़ता है। तो वेबसाइट के URL और स्पॉन्सर ID मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखते हैं कैसे रजिस्टर करना है। तो चलिए, सबसे पहले गूगल में जाके ओरलेक्स फाइनेंशियल सर्विसेज टाइप कीजिए और सबसे ऊपर जो सर्च रिजल्ट में आता है उस पर क्लिक कीजिए। नहीं तो आप डायरेक्ट नीचे दिया हुआ लिंक से भी यहाँ जा सकते हैं। अब आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करके स्पॉन्सर ID जो डिस्क्रिप्शन में है उसे डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन और अकाउंट इंफॉर्मेशन भर दीजिए। रजिस्टर मारते ही आपको एक ईमेल आ जाएगा, जहाँ से एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करने पर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। अभी कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें फिल कीजिए। सबमिट करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ। अब साइन इन मारने पर वेबसाइट खुल जाएगा। होम पेज में चाहे तो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। वैसे हमारा अकाउंट ओपन करने के लिए कोर मॉनिटरिंग पे क्लिक कीजिए। अब आपको सबसे पहले वॉलेट एक्टिवेशन करना होगा, उसके बाद ही प्लान्स उपलब्ध होंगे। वॉलेट एक्टिवेशन के लिए आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना होता है, जिसमें पेयर प्रिफर्ड है अगर आप इंडिया में हो तो। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन और वॉलेट एक्टिवेशन के बाद अब बारी है प्लान एक्टिवेशन की, मतलब कि इन चारों प्लान में से कोई भी एक प्लान को आपको चूज करना होता है। जैसे कि सबसे पहले है एमिरेट्स पेसो प्लान। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, क्या है इसके इन्वेस्टमेंट, क्या रिटर्न्स है और क्या डेली प्रॉफिट्स है। और एक बात, जो वॉलेट एक्टिवेशन के लिए आपने $20 पे किए थे वो आपको सेफली रिटर्न हो जाएंगे आपके वॉलेट में और किसी भी समय आप वो विथड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रहा इन्वेस्टमेंट गाइड फॉर एमिरेट्स पेसो प्लान। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो $100 का है, मतलब आपको $100 इन्वेस्ट करना होगा, आपके अकाउंट में ऐड करना होगा। उसके बाद में डेली प्रॉफिट रहता है 1%, मतलब कि अगले 5 दिन तक आपको 1% पर डे प्रॉफिट रहेगा। तो इस हिसाब से 5 दिन के बाद आपके वॉलेट में $5 एज अ रिटर्न अमाउंट आ जाएंगे। उन 5 दिन के बाद आपको वापस $20 इन्वेस्ट करना होता है। इसका मतलब होता है कि 5 दिन के बाद आपका अकाउंट में टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा $120। $120 होने के बाद आपका जो डेली प्रॉफिट्स है वो 1% से 1.25% हो जाता है और अगले 10 दिन तक ऐसा ही रहेगा। और इन 10 दिन के बाद आपको $15 एज अ रिटर्न अमाउंट आपके वॉलेट में मिल जाएगा। उसके बाद और एक $20 का फ्लेक्सी इन्वेस्टमेंट करना होता है। अब आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है $140 और आपका डेली प्रॉफिट हो गया है 1.50%। तो अब तक आपने $160 इन्वेस्ट किया है और डेली प्रॉफिट आपका बढ़ गया है 1.75% को और अगले 20 दिन के बाद आपके अकाउंट में $56 एज रिटर्न अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद और $20 का इन्वेस्टमेंट करना है। अब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है $180 और प्रॉफिट हो जाता है 2% पर डे। तो अगले 25 दिन के बाद आपके अकाउंट में
$90 एज अ रिटर्न अमाउंट आ जाता है। उसके बाद फाइनली एक लास्ट $20 का फ्लेक्सी इन्वेस्टमेंट करना होता है और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है $200 और आपका डेली प्रॉफिट रहता है 2.25% अगले 30 दिन तक। तो इन 30 दिन के बाद आपके अकाउंट में $135 एज अ रिटर्न अमाउंट और आ जाता है। तो इन 105 दिन के बाद आपके अकाउंट में टोटली $332 रिटर्न अमाउंट आ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि आपने इन्वेस्ट किया $200 और आपको इन रिटर्न मिल रहा है $332। तो इस तरह से एमिरेट्स पैसो प्लान चलता है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ वही दिया गया है जो मैंने अभी आपको बोला है। तो चलते हैं अगले प्लान में। तो ये रहा एमिरेट्स रबल प्लान। तो यहाँ क्या है कि आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो $500 का होता है और आपका डेली प्रॉफिट होता है 1% और अगले 5 दिन तक सेम रहता है और 5 दिन के बाद आपका अकाउंट में $25 एज अ रिटर्न अमाउंट आ जाता है। उसके बाद आपको $50 का फ्लेक्सी इन्वेस्टमेंट करना होता है और आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है $550 और डेली प्रॉफिट बढ़ जाता है 1 से 1.50% तक। तो अगले 10 दिन तक ऐसा ही रहेगा और उन 10 दिन के बाद आपके अकाउंट में $82.50 आ जाता है। उसके बाद आपको $50 का फ्लेक्सी इन्वेस्टमेंट करना होता है। अब आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है $600 और डेली प्रॉफिट हो जाता है 1.75%। इसके बाद आपके अकाउंट में $157 एज अ रिटर्न अमाउंट आ जाता है। तो इन 15 दिन के बाद आपको और एक बार $50 का इन्वेस्टमेंट करना होता है और अभी आपका हो गया है $650 इन्वेस्टमेंट और अभी डेली प्रॉफिट हो चुका है 2% और अगले 20 दिन तक ऐसा ही रहेगा और इन 20 दिन के बाद आपके अकाउंट में आ जाएंगे $260 एज रिटर्न मनी। इसके बाद और एक $50 करना होता है फ्लेक्सी इन्वेस्टमेंट और अभी आपका हो चुका है $700 इन्वेस्टमेंट टोटल और इसके प्रॉफिट रहेगा 2.25%। इसकी वजह से अगले 25 दिन के बाद आपके अकाउंट में आ जाते हैं $393। उसके बाद आपको फाइनली एक $50 का फ्लेक्सी इन्वेस्टमेंट करना होता है और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है $750 और आपका डेली प्रॉफिट हो जाता है $2.50 अगले 30 दिन तक। इन 30 दिन के बाद आपके अकाउंट में आ जाएगा $560 का रिटर्न मनी। तो टोटली 105 दिन के बाद एमिरेट्स रबल प्लान में आपके अकाउंट में एज अ रिटर्न $1,480 अमाउंट आ जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और दो प्लान्स के बारे में जानेंगे और भी बहुत सी जानकारी मुझे देनी है इस कंपनी के बारे में। तो जुड़े रहेगा हमारे साथ और देखते रहेगा हमारे वीडियोस। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।